साल मई जून के महीने में उबलापुर गांव में भयानक गर्मी पड़ा करती थी। बारिश ना होने के कारण तालाबों का पानी सूख जाता, साथ ही जमीन का जल स्तर भी नीचे चला जाता। इसीलिए हैंडपंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। अम्मा, नल का पानी फिर चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे नहा ले। बाल्टी भी खाली है। अभी एक घंटे पहले जब हैंडपंप में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर कर रखी थी। सैफाली महारानी जी उसी से नहा ली होंगी। हमारा लड़का ऐसे ही बिना नहाए मलिच रह गया। मैंने भी तो कल पानी भर कर रखा था तो तुम्हारा लड़का उससे नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हमारी लड़की नहा ली तो तुम्हें बहुत बड़ी आफत आ गई। अपनी महारानी लड़की से कहो खुद हैंड पंप से पानी निकाल कर रखा करे, वरना लगाऊंगी किसी दिन दो चार झापड़। मार कर दिखाना मुझे, मेरे हाथ तो जैसे है ही नहीं। सैफाली अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। सैफाली की उसकी चाची से अक्सर पानी के पीछे लड़ाई हुआ करती थी। सैफाली के पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची सैफाली और उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहते थे। शाम को जब सैफाली के चाचा धनु सिंह घर लौटते हैं, तो सोमवती अपने पति के खूब कान भरती है। आज तो आपकी भतीजी सैफाली मुझे मारने को लिपटी जा रही थी। जरा मैंने कह दिया कि हैंडपंप से पानी खुद निकाल कर रखा कर, ऐसे मारने को लिपटी वो मुझे। वो तो ये कहो कि बबलू घर पर था, उसने बचा लिया मुझे। भाभी ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारी भाभी तो पूरा मजा ले रही थी। वो तो अपनी लड़की के हाथों मुझे पिटवाना ही चाहती है। इस तरह झूठ बोलकर सोमवती धनु सिंह को चढ़ा देती है। धनु सिंह गुस्से में तुरंत अपनी भाभी के कमरे में जाता है और उनका सामान बाहर निकाल कर फेंकने लगता है। चाचा ये क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, भैया मर चुके हैं, अब तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। सैफाली और उसकी माँ सरपंच के पास धनु सिंह की शिकायत करने जाते हैं। पंचायत बैठती है, लेकिन सैफाली की चाची सरपंच को रिश्वत देकर फैसला अपने पक्ष में करवा लेती है। धनु सिंह, सोमवती और बबलू तीनों धक्के मारकर सैफाली और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, नानी के घर चलते हैं। इस गांव में धनु सिंह की वजह से हमें कोई आसरा नहीं देगा। भरी दोपहरी में सैफाली की माँ चलते चलते धूप और गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? सैफाली इधर उधर पानी खोजने लगती है, लेकिन उस वीराने में उसे कुछ नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई झाड़ियों के पास पानी की तलाश में जाती है। वहाँ उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है। हैंडपंप खराब था, उसमें हैंडल नहीं था। सैफाली तुरंत एक मजबूत लकड़ी ढूंढकर हैंडल बनाती है और हैंडपंप में फिट करती है। एक घंटे लगातार प्रयास करने के बाद नल से कुछ निकलना शुरू होता है, लेकिन वो पानी नहीं, तरल सोना था जो बाहर निकलते ही जम जाता। ये तो सोना है। सैफाली थोड़ा सा सोना लेकर ही अपनी माँ के पास दौड़ती है। माँ अभी भी बेहोश थी। एक नौजवान घुड़सवार रास्ते से गुजर रहा था। सैफाली उसके पास जाकर बोली, मेरी माँ को अस्पताल तक पहुँचा दो और बदले में ये सोना ले लो। घुड़सवार सैफाली और उसकी माँ को अस्पताल तक छोड़ देता है। फिर मिलेंगे। अस्पताल में माँ का कुछ दिन इलाज चलता है और वो ठीक हो जाती है। माँ, नानी घर जाकर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही हम झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं रहेंगे। सैफाली और उसकी माँ हैंडपंप से जरूरत के मुताबिक सोना निकाल कर बेच देते हैं और झोपड़ी बनाकर जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। घुड़सवार जब भी रास्ते से गुजरता तो सैफाली से मिलकर जाता। एक दिन बबलू ने बाजार में सैफाली को बहुत अच्छे कपड़े पहने घुड़सवार के साथ घूमते देख लिया। बबलू सारी बात जाकर अपने अम्मा बापू को बताता है। जब वे लोग गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं?
धनु सिंह एक दिन चुपके से शेफाली का पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंचता है। वो शेफाली को हैंडपंप से सोना निकालते देख लेता है। धनु सिंह घर आकर एक बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? शेफाली की झोपड़ी के पास एक हैंडपंप है जो सोना देता है। आज रात हम उस हैंडपंप के नीचे का सारा सोना चुरा कर बैलगाड़ी से ले आएंगे। रात में धनु सिंह, सोमवती और बबलू शेफाली की झोपड़ी पर जाते हैं। सबसे पहले वे शेफाली और शेफाली की माँ के मुंह पर नशीली दवा रुमाल में रख कर उन्हें सुंघाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर 4-5 घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी पूरी भर जाती है। वे अपने थैले और कपड़ों में भी सोना ठूंस लेते हैं, लेकिन हैंडपंप से सोना निकलना बंद नहीं होता। लगता है नीचे कोई बहुत बड़ी सोने की खान है। आप बस कीजिए, इतना सोना बहुत है, इसे ही ले जाने में बहुत परेशानी होगी। धनु सिंह का परिवार बैलगाड़ी पर सोने का ढेर रख कर अपने गांव की ओर चल देता है। रास्ते में डाकुओं की टोली गुजर रही थी। डाकुओं की नज़र उन पर पड़ जाती है। डाकू धनु सिंह के पूरे परिवार को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर शेफाली घुड़सवार से विवाह करके खुशहाल जीवन बिताने लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। ढोलकपुर गांव में रामलाल अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। रामलाल धोती कुर्ता सिलने का काम करता था। अरे ओ चंदन, अब तो शादीशुदा हो गया है बेटा, सिलाई सीख ले। चंदन वैसे तो गांव में घूमता रहता था, लेकिन कभी कभी 1-2 घंटे अपने पिता से धोती कुर्ता सिलना सीख लेता। कुछ दिनों बाद चंदन के पिता की मृत्यु हो जाती है। सिलाई का सारा काम चंदन ने संभालना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक तो चंदन का काम ठीक चलता रहा, लेकिन फिर चंदन पूरे पूरे दिन खाली बैठा रहता। लोग कुर्ता पहनना धीरे धीरे बहुत कम करते जा रहे थे। एक दिन चंदन अपनी पत्नी से कहता है, धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, लोग रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं, कपड़े सिलवाने वाले बहुत कम बचे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप ये कपड़े सिलने का धंधा बंद करो, हमारी छोटी सी बगिया में कई तरह के पौधे हैं, आप छोटे छोटे पौधे ले जाकर बेचना शुरू करो। अरे पागल हो गई है, पेड़ पौधे कौन खरीदेगा? अरे आजकल सभी लोग अपने घर गमले रखना चाहते हैं, पौधों के साथ साथ हम मिट्टी के गमले बनाकर भी बेच सकते हैं, एक बार कोशिश करके देखने में हर्ज क्या है? वैसे भी इस काम के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए नहीं। चंदन अपनी पत्नी के कहने पर गुलाब, गेंदा, तुलसी, अनार, मनी प्लांट, अमरूद आदि के छोटे छोटे पौधे बेचने निकल पड़ता है। अगले दिन चंदन गांव में पौधे बेचने जाता है। उस दिन चंदन की ज्यादा कमाई नहीं होती। मात्र 100 रुपए की कमाई हो पाई है आज। कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि शहर में पौधे बेचने जाओ। अगले दिन चंदन शहर में पौधे बेचने जाता है। शहर के लोग चंदन के हरे भरे पौधों को हाथों हाथ ले लेते हैं। चंदन की अच्छी कमाई हुई, वो बहुत खुश होकर घर लौटता है। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है, तभी आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, हाँ, तुम्हारा आइडिया काम कर गया, शहर वाले लोग तो गमलों के दीवाने हैं, लगभग हर मकान में मैंने गमले रखे हुए देखे। शहर के लोग उल्लू होते हैं, पहले मकान बनवाकर सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, फिर अपने घर पर पौधे रखकर सोचते हैं कि हमारे घर हरियाली है। अब चंदन हर दिन अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता, कभी सूट, कभी साड़ी, कभी कुंडल। एक दिन पड़ोस वाली गीता चंदन के घर आती है। अरे भाभी जी, थोड़ी चीनी दे देना, हमारे घर खत्म हो गई है, परसों लौटा देंगे। आप बैठिए, मैं अभी देती हूँ। चंदन की पत्नी चीनी लेने अंदर किचन में चली जाती है। तभी गीता की नजर चंदन की पत्नी की साड़ियों के कलेक्शन पर पड़ती है। हे भगवान, इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ। गीता चीनी लेकर बहुत गुस्से में अपने घर पहुँचती है और अपने पति रवि से कहती है, तुम भी चंदन भैया की तरह कोई अच्छा काम धंधा करो, नकारा निकम्मों की तरह पड़े रहते हो घर पर। ये चंदन पौधे बेचकर अमीर हुआ जा रहा है, जब मैं इतना आराम करता हूँ
तो इसे इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। रवि रात में एक छड़ी लेकर चंदन की बगिया में घुस जाता है और सारे पौधे उखाड़ डालता है। अगले दिन जब चंदन और उसकी पत्नी बगिया में आते हैं तो देखते हैं किसी ने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए हैं। हे भगवान, ये किसने किया? चंदन और चंदन की पत्नी बगिया में बैठकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ एक देवी प्रकट होती है। देवी चंदन को एक मनी प्लांट का पौधा देती है। ये साधारण मनी प्लांट नहीं है, इसके हर पत्ते के साथ 1-2 हजार का नोट निकलेगा। यदि इसे किसी ने चुराया तो उसके लिए परिणाम भयानक होंगे। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती है। देवी द्वारा दिए गए मनी प्लांट को चंदन अपने घर पर रख लेता है। मनी प्लांट से रोजाना एक पत्ता आता और पत्ते के साथ 1-2 हजार का नोट निकलता। एक महीने में चंदन के पास 60 हजार रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से चंदन एक नई बगिया लगा लेता है और दोबारा पौधे बेचने का धंधा शुरू कर देता है। ये चंदन के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसने तो पहले से भी बढ़िया बगिया लगा ली। एक रात रवि चुपके से चंदन के घर में झांक कर देखता है। चंदन और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। अब ये मनी प्लांट रोजाना 2 हजार रुपए दे देती है तो फिर आपको काम करने की क्या जरूरत? देवी ने मनी प्लांट हमें इसलिए नहीं दी कि हम आलसी होकर बैठ जाएं और कोई काम धंधा ना करें। अच्छा, तो ये सब उस मनी प्लांट की वजह से हो रहा है। रात में जब चंदन और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो रवि उनके घर में घुस जाता है और मनी प्लांट चुरा लेता है। वो मनी प्लांट को एक बक्से में बंद करके रख देता है। अब कल इसमें 2 हजार का नोट निकलेगा। रवि सुबह उठकर सबसे पहले बक्सा खोलता है। वो देखता है कि पूरा बक्सा सांपों से भरा हुआ है और मनी प्लांट से लगातार सांप निकल रहे हैं। सांप रवि के ऊपर चढ़ जाते हैं। हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ! ऐसा कहकर रवि अपने घर में चारों ओर भागता है। रवि की पत्नी डंडों से सांपों को हटाती है और मनी प्लांट रवि को लाकर दे देती है। जल्दी जाइए और मनी प्लांट चंदन भैया को वापस कराइए। इस मनी प्लांट में जरूर कुछ गड़बड़ है। रवि तुरंत भागता हुआ चंदन के पास जाता है और चंदन के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो चंदन, मैंने तुम्हारी मनी प्लांट चुराई। चंदन जैसे ही अपने हाथों में मनी प्लांट लेता है, सभी सांप गायब हो जाते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया रवि? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें पौधे बेचने का काम सिखाऊंगा और कुछ पैसे तुम्हें उधार देकर तुम्हारी बगिया भी लगाऊंगा। अब चंदन और रवि साथ साथ पौधे बेचने का काम करने लगते हैं।